हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं 911 प्री। तो इसमें बेसिकली हम 911 मतलब हम इसमें पुलिस ऑफिसर हैं ऑब्वियसली, और 911 जो कि एक इमरजेंसी लाइन है, जैसे कि इंडिया का 100 है वैसे ही एक आई थिंक विदेश का 911 है जो कि आई थिंक यूएसए का आई थी। और हमारे पास अभी केस आया है, एक रिपोर्ट आई थी, तो ये अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे और इसमें हम पुलिस ऑफिसर हैं बेसिकली। तो ये देखो, ये अभी कुछ सीन हो रहा है, इसमें बता रहा है कि हमें क्या क्या हुआ है, हमें मतलब हम इन्वेस्टिगेशन करने गए वहाँ पे। और ये देखो, हमें अंकल फ्रैंक जो कि इसका नाम है, मतलब नाम इसका फ्रैंक है। और देखो इसने क्या किया है, ये पिक का मुंह लगा के रखा हुआ है इसने। ऑल दैट गाइस, तो हम आ चुके हैं फाइनली, मतलब अंदर आ चुके हैं। अब इसमें हमारा रोल चालू हो गया। अभी इसके पहले जो स्टोरी चल रही थी कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो बेसिकली ये सेम रिलेटेड है, आप कह सकते हैं ग्रेनी से, ग्रेनी वन ग्रेनी टू, उसमें भी सेम स्केप है। देखो अब इसमें भी हम आ चुके हैं जेल में, उसमें भी हमें जेल में कैद कर दिया था। ग्रेनी वन में ग्रेनी टू में तो नहीं था, बट ग्रेनी थ्री में था ऑफकोर्स, जेल में थे हम। और वैसे यहाँ पे भी इसने हमें कैप्चर कर लिया। इसका नाम है अंकल फ्रैंक, वैसे अंकल फ्रैंक है, फ्रैंक नाम होगा यूजुअली। और इसमें अभी हमें क्या करना है पता नहीं, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। उसमें तो हमारे पास ट्रायल और एरर वाला काम था, मतलब पहले हमने प्रैक्टिस में उसको खेला था, ग्रेनी वाला जो गेम था उसको, और उसको और भी मूड्स थे उसके, हार्ड इजी प्ले मीडियम। तो इसमें देखते हैं हम क्या खेल सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं। इसमें भी शायद स्केप करना ही है हमें, और अभी मुझे फ़िलहाल कुछ समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ पे ये मुझे दिख तो रहा है कि इतना यहाँ से कटी हुई है, तो मैं आई थिंक इसको तोड़ के या फिर कैसे भी करके भाग सकता हूँ। मेरे हाथ में पोकर आ चुका है, ओके, क्रोबार भी आ चुका है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा। मैं क्रोबार का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। और ये लॉक है यहाँ पे, मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लॉक की चाबी भी नहीं है यहाँ पे आसपास में। उसमें तो हमने तार की पिन में से कुछ मिल गया था, मतलब ग्रेनी थ्री में जिसमें हम कैप्चर हुए थे, तो उसमें हमें तार की पिन मिल चुकी थी, उसकी वजह से हमने ताला अनलॉक कर लिया था। इसमें वो ऐसा कुछ नहीं मिला है मुझे, तो देखते क्या होता है। ऑल दैट गाइस, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, ओके। तो इसमें हिंट का भी ऑप्शन है गाइस, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे ये घर छोटा लग रहा है ग्रेनी से, बट आई गेस जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे ये घर और ज़्यादा एक्सप्लोर होते रहेगा। तो आई थिंक इतनी इजी तो नहीं हमारी स्केप होने वाली, क्योंकि मुझे यहीं पे अभी डाउट लग रहा है, ये इसमें कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है मुझे, मतलब एज़ कम्पेयर टू ग्रेनी। बट इसमें एक ही है, देखो मैंने हिंट का क्लिक किया था गाइस, और हिंट में सामने कुछ बता रहा है, मतलब सामने जाओ ऐसा कुछ आया है ऑप्शन। इसमें हिंट ऐड पे आती है गाइस, तो जैसे मैं हिंट का क्लिक करता हूँ ऐड चालू होती है और उसके बाद हिंट मिलती है हमें, जैसे कि अभी मार्क बन चुका है कि हमें कहाँ जाना है, बट जाना कैसे ये पता नहीं है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं इसके अंदर जस्ट कैद हूँ और ये छोटा सा आई थिंक मैं अभी बैठा हुआ हूँ इसमें, क्योंकि ये हाइट भी हमारी नहीं लग रही है, हम खड़े नहीं हो सकते। जैसे हम बाहर निकलेंगे तब शायद खड़े हो सकते हैं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं यहाँ से निकलने के लिए। मेरे को इसको लॉक को तोड़ना है या फिर इसको काट के, मतलब जो भी करके निकलना है। वहाँ पे अभी निशान मतलब बन रहा है कि वहाँ पे कुछ करना है। मैं पोकर सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ डायरेक्टली तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन पोकर मतलब जो भी है हमारे पास लंबी चीज़, उसको मैं शायद पहुँचा सकता हूँ। क्रोबार सिलेक्ट किया फ़िलहाल मैंने। इसमें सिलेक्शन का भी बहुत, देखो इधर साइड आ रहा है निशान कुछ करने का, देखो ये यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे। और इसमें जो है ना क्रोबार या फिर जो भी आइटम आप सिलेक्ट करते हैं थोड़ी देर तक रहता है, अगर हमने कहीं और जगह ट्राई किया उसको वहाँ नहीं चला तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाता है, हाथ में नहीं पकड़ता है मतलब कुछ भी चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्रोबार और ये सब है, कुछ भी हाथ में नहीं पकड़ा है जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तब भी। और ये लॉक का आ रहा है ऑप्शन, लेकिन ओपन कैसे होगा मुझे ये डाउट है। कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं। ऑल दैट गाइस, एज यू सी हमने
ट्राई किया क्रोबार, और क्रोबार अब लग गया वहाँ पे, आई थिंक बाहर से मतलब कुछ थोड़ा दूर से करना था। और देखो अब मेरे पास आ रहा है अभी, इफ आई ब्रेक द विंडो सो आई कैन ओपन द विंडो विदाउट मेकिंग टू मच नॉइस, देयर मस्ट बी समथिंग। ओके, मतलब अगर हमने विंडो तोड़ के हम भाग सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है, लेकिन उससे आवाज होंगी और उसे तो की मिल गई, आई थिंक डोर की होंगी या पता नहीं कहाँ की है, बट हमें की मिल चुकी है। आई चेक ऑन मतलब टाइमर ऑन हो गया है, वापस जैसा था, लेकिन हमारे हाथ में की बस आई है, बाकी सब तो जैसे को वैसे ही है ना। और पोकर जो था वहाँ पर पड़ा हुआ था वो भी हमारे पास, हालांकि उस पर शायद नजर नहीं चलेगी उसकी आई थॉट से, और अभी तक आया नहीं हो, टाइमर ऑन हो गया था। मैं छुपने का भी ऑप्शन है, देखो आगे यस मैं सेट नंबर बैठ जाता हूँ। ओके, मतलब उसको पता चल गया कि कुछ मिशन है। ओके, पोकर उसको पता चल गया कि हमारे पास है, और ये उसने हमें आई थिंक पकड़ कर ऑल राइट गाइस। तो हमारे पास इसमें तीन लाइफ है, जो आप समझ रहे थे तीन हार्ट बने थे, एक कट हो गया, मतलब दो लाइफ बची हैं अभी हमारे पास। लेकिन इसमें छुपने का भी हमारे पास कहीं ऑप्शन नहीं है ना, जैसे कि ग्रेनी में था हम कहीं पे भी छुप सकते थे, टेबल के नीचे या फिर यहाँ सब, वहाँ पे हमें नहीं किल कर सकता था। लेकिन इसमें मैं जा ही नहीं पा रहा, मतलब टेबल के नीचे ही नहीं जा रहा, सामने भी जो टेबल था डाइनिंग टेबल, और ऊपर तो आई थिंक वही है समथिंग इन दिस डैम हाउस सो आई कैन ओपन द विंडो विदाउट मेकिंग टू मच नॉइस। ओके गाइस, मैं डेड हो गया था एक बार ट्राई करके, और डायरेक्टली मैं अभी यहाँ पे विंडो के पास उठ के चला गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन आया था कि विंडो के पास मैं कुछ कर सकता हूँ। तो विंडो टूट गई, तो मतलब तोड़ के मैं बाहर निकल गया डायरेक्टली, और ये आग रहा हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है कि इसमें जो पुलिस ऑफिसर नहीं लग रहा मुझे, गर्ल्स की आवाज़ लग रही, तो आई थिंक ये केस है जो कि हमारे साथ हुआ क्या ये बता रहा है आई थिंक। ओके, तो हमारा ब्लड निकल रहा था आई थिंक, हाउ मच ब्लड, मतलब हमारे ऊपर ब्लड आ गया था। ये सिली बॉय, बट इट्स फाइन, योर बॉडी विल स्टिल सर्व अ ग्रेट पर्पस। ओके, तो अगर हम डायरेक्टली ऐसे स्केप होते हैं तो शुरू से गेम स्टार्ट हो जाता है। देखो शुरू से स्टार्ट हो गया वापस से, और वो सब मतलब मैं भाग रहा था और इसने कैप्चर कर लिया मुझे, और पोकर यूज़ करके हमें क्रोबार तक पहुँचना है, क्योंकि क्रोबार दूर पड़ा है, और क्रोबार का यूज़ करके डोर मतलब यहाँ से लॉक ब्रेक करके ओपन करना है गाइस। ये ब्रेक करके ओपनेंगे, इफ आई ब्रेक द विंडो मेबी आई कैन एस्केप, यहाँ पे और वहाँ पे चाबी वुड बी लाउड यस, और चाबी कहाँ की मिली, देयर मस्ट बी समथिंग इन दिस डैम हाउस सो आई कैन ओपन द विंडो विदाउट मेकिंग टू मच। और जहाँ पे अभी एम बता रहा था ना ये कि चाबी मतलब आई शुड चेक, उसको फिर से पता चल गया, मतलब जब भी मैं यहाँ से भागूंगा उसको पता चल जाएगा, मतलब जैसे मैं निकलता हूँ उसका टाइम हो जाता है तो आने का। We need to get back to the cage fast. तो head back to the cage. केज में तो अभी था पोकर मेरे पास है, अब वो आ सकता है, बस स्क्रू ड्राइवर मिल गया, मैं देखते क्या क्या सामान में यहाँ पे मिलता है, और रजिस्टर मिला है क्या क्या है। स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ खोलने के, लेकिन ये स्टार स्क्रू ड्राइवर है गाइस। स्क्रू होल्ड पैनल स्क्रू ड्राइवर आई गेस नहीं है मेरे पास, यस। ओके, तो उसने फिर से हमें कैप्चर कर लिया गाइस, और इस बार पता नहीं, अच्छा वही सेम ही करता, मतलब ट्रिक अलग नहीं करता, क्योंकि ग्रेनी में अलग अलग तरीके से वो हमें किल करते थे, देखे मार रहे कि पता नहीं क्या, क्योंकि मैंने इस गेम को फिर से स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे फिर से मेरे पास दो लाइफ बची हुई है, लेकिन हमारे पास सामान भी बचा हुआ है इस बार। और इस बार मुझे आई थिंक समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है अगर उसको पता चले तो, बट ये हमारी सेकेंड लाइफ फिलहाल उसको पता नहीं चला है, मतलब सेकेंड चांस है, लाइफ नहीं कह सकते। ये ऊपर है, इस बार ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि हम ऊपर नहीं गए थे, और ये वाला ओपन है क्या, यस ये ओपन है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आई थिंक टॉयलेट है उसका, और ये ओपन भी नहीं हो रहा है, ड्रॉर नीचे के हो रहे थे किचन के,
मैं एक बार ट्राई किया था, तो बाकी यहाँ पे तो कुछ नहीं है काम का, कुछ पिक भी नहीं हो रहा है। तुम बैठ के देखता हूँ, नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और साइड में उसका रूम है, ये देखो जैसे ही बंद करता हूँ ना डोर, आवाज़ होती है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं वो, देखो वो रहा वो जिसका आवाज़ नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इसको वैसे पैक करने का कुछ ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि लॉक्ड है। ऑलराइट गाइस, तो स्क्रू ड्राइवर, अच्छा स्टार स्क्रू ड्राइवर है, और ये भी तो स्टार ही था। ओके, तो डोर कोई भी ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये फोटो आई गेस इसके फैमिली की, और यहाँ पे ये क्या है, रेजिस्टर था कोई, तो पॉइजन चीज मिल गई हमें। ऑलराइट, ये भी डोर लॉक्ड है, और ये वाला ओपन है। यस, यहाँ पे हमें मिला था लास्ट टाइम स्क्रू ड्राइवर और रेजिस्टर, हाँ दोनों हमने पिकअप कर लिया था, मतलब पहले ही हमारे पास है ऑलरेडी, स्क्रू ड्राइवर भी रेजिस्टर भी है। लेकिन यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर लग रहा है वो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर लग रहा है गैस, और स्टार स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास, तो पता नहीं नॉर्मल वाला कहाँ से मिलेगा, वो भी यहीं कहीं होना चाहिए था। ये डोर लॉक्ड है, और ये जगह जगह पे ना इसने देखो ये नीचे वो, मतलब जो टफ वाले नहीं आते, जो मतलब जैसे उनको ऐसे दबाओ, जो टॉयज रहते हैं वो वाले रखे हुए, जैसे उनको दबाओ तो आवाज़ करते, वैसे ही टॉय उसने जगह जगह पे फेंक रखे, ताकि जैसे हम पेड़ रखे और उसको आवाज़ हो वो आ जाए हमें, मतलब किल करने के लिए। इसमें कुछ नहीं है, और ये कुछ काम का नहीं है इसमें, नहीं इसमें भी कुछ लग नहीं रहा है काम का। ओके, इसमें भी नहीं है, इसमें भी एक्स रखे थे। ओके, यहाँ पे ड्रॉ नहीं है अब, और ये एक और डोर है जो कि लॉक्ड है गेस, और यहाँ क्या है, मतलब इंसान का ब्लड और मांस रखा हुआ है वहाँ पे फ्रिज में इसने, ठीक है। सूप, ये सब्जी का लग रहा था मुझे, मतलब नॉर्मल सब्जी का खाना ही नॉर्मल ही खाता है, बट फ्रिज में ह्यूमन मांस मतलब ब्लड और ये सब रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ शावर में दो नल लगे, मतलब एक ब्लू एक रेड में दबा पा रहा हूँ, मतलब ओके। ऑलराइट, तो मैं ड्रॉअर ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे है लेडल हैंडल मिल गया हमें, पता नहीं कहाँ यूज़ होने वाला है ये, बट हमारे पास छः चीज़ें हम कैरी कर सकते हैं गैस अपने पास, मतलब पांच आ चुकी है ऑलरेडी, लास्ट एक चीज़ बची हुई है कोई भी मतलब कैरी करने लायक, और ये क्या, अच्छा ये बैटरी है, इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो इसको क्लोज कर दिया हमने। ये वाला ड्रॉअर क्या है, इसमें कुछ नहीं है जस्ट। ओके, तो ये क्या है, कुछ बॉक्स लग रहा है मुझे जो कि, ओके तो इसमें लग रहा था वो स्टार स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि स्टार बना हुआ था ना, मुझे लग रहा था। रेजिस्टर इसमें यहाँ लगेंगे, और बैटरी भी लगेंगे वैसे इसमें, लेकिन ये बैटरी, ओह यहाँ पे बैटरी लगेंगी, ये हमने लगा दिया बैटरी भी। ये वाला ओपन नहीं हो रहा है लेकिन, और ये कोई पैटर्न है गाइस जो कि हमें सॉल्व करने में जो समझ में आ रहा है पैटर्न क्या, क्योंकि ये सॉल्व हो नहीं रहा है। आई थिंक ये पूरा ग्रीन होगा तब सॉल्व होगा, या फिर इसमें कुछ और भी चीज़ लगेंगी। और ये देखो ये जो खोला था हमने उससे बटन हुई है, और इसी में आई थिंक हमें पैटर्न ट्राई करते रहना है जब तक सॉल्व नहीं होता, मतलब पूरे ग्रीन नहीं होते, क्योंकि पूरे ग्रीन होंगे आई गेस तभी ये ओपन होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ भी मतलब क्लिक करने का, इसमें कोई समझ में आ नहीं रहा है मुझे, रेंडमाइज कर रहा हूँ मैं। ये एक क्यूबिक के साइज समान लग रहा है, बट क्यूबिक के चार साइड होते तो हमें पता होता है कि कौन सी मतलब कौन सी की को कहाँ लाना है, कौन से कलर को, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ये एक ही साइड का है। तो सिमिलर टू क्यूबिक, बट मैं इसमें मतलब तुक्के मारते रहना होगा बस।
और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पैटर्न इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है। इसमें मुझे जैसे कि लग रहा है पूरा ग्रीन करना पड़ेगा तो ही ये ओपन होगा, या फिर पूरा रेड। तो वैसे रेड तो ओपन है, मतलब ग्रीन से ओपन होता है ना। यस, तो ग्रीन का यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने उसको रख दिया क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका। और ये भी लॉक्ड है, यहाँ से थोड़ा दूर होके जाना पड़ेगा क्योंकि टॉयस पड़े हैं वहाँ पे जो कि बच सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि वो जो है मतलब अंकल फ्रैंक जो भी नाम है उसका, वो आके एक एक चीज़ चेक करता है। उसको पता नहीं चलने को होना कि मतलब क्या यहाँ पे मिसिंग है और क्या नहीं, क्योंकि ये डोर ओपन है तो ये भी नोटिस कर लेगा। ज़रा ज़रा सी चीज़ नोटिस कर लेता है वो। और ये वाला ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं आगे ज़्यादा जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे भी उसने टॉयस बिछा के रखे हुए डक, जो कि पूछने आवाज़ कर देंगे। और ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड ओपन हुआ है लेकिन इसका काम क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये भी लॉक्ड है और सामने मुझे दिख रहा है जहाँ से मैं, ये डोर और वो वाला डोर, लेकिन दो डोर फालतू में यहाँ पे दे रखा है इसने। और मैं साइलेंटली ग्लास को भी काट नहीं सकता हूँ शायद, मतलब तोड़ सकता हूँ बट भागते भागते नेक्स्ट टाइम फिर से वो पिकअप करके ला लेंगे हमको। ये जो कांच दिख रहा है ना आपको इतने बड़े बड़े, जस्ट अभी मैं आपको बताया था कि भागा था यहाँ से लेकिन नहीं हुआ कुछ। तो अभी आई थिंक हमें नॉर्मली बिना आवाज़ के यहाँ से निकलना है। जब उसको पता नहीं लगेगा कि हम यहाँ से जा चुके, मतलब तब तक काफ़ी दूर पहुँच चुके होंगे हम। और एक ये वही चीज़ है पोकर, जिसकी वजह से लास्ट टाइम हम फंस गए थे। ओके, तो मैंने फिर से एड सीक्वेंस देखा था हिंट के लिए कि अभी करना क्या है हमें आगे। तो हिंट में वापस से एक ऑप्शन आया कि हमें इसी पे कुछ ना कुछ करना है, मतलब इसमें जो भी चीज़ है वो हमें निकालनी है कैसे भी करके। तो इसका मतलब इसमें हमने सब चीज़ लगा दी है और कुछ चीज़ की ज़रूरत है नहीं इसमें, बट ये जो पैटर्न है वही हमें सॉल्व करना है कैसे भी करके। मैं रेंडमाइज कर रहा हूँ, मतलब क्लिक कर रहा हूँ और बाकी जगह ये तो बैटरी से बार बार बैटरी का खुल जा रहा है और ये वाला नहीं खुल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम पैटर्न ही ट्राई करते देखते हैं क्या मतलब हो सकता है पैटर्न। मैं ट्राई कर रहा हूँ गैस करने का कि कौन सी क्लिक करने पे कौन सा कलर आ रहा है, बट इसमें रेंडमाइजली आ रहा है तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। इसमें की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या फिर कलर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि जैसे देखो ग्रीन का है, ग्रीन की जगह मैं ग्रीन क्लिक कर रहा हूँ वहाँ ग्रीन आ रहा है, जैसे बाकी बच रहे हैं वहाँ पे रेड आ रहा है। और बॉक्स का भी कुछ कॉम्बिनेशन। ओके, अब फाइनली बैठ गया कॉम्बिनेशन। और ये स्विच मैंने ऑन किया और मिल गया मैं की कोई, जो कि मेन डोर की तो नहीं होंगी आई गेस, हो भी सकती है बट दो डोर है सामने तो दोनों डोरों का लॉक हमें अनलॉक करना पड़ेगा। अलग अलग की के अलग अलग होंगे। और जैसे देखो अभी की मैंने सिलेक्ट नहीं किया लेकिन डोर सारे मैं चेक कर रहा हूँ और लग भी नहीं रही है कहीं की, मतलब ऑटोमेटिकली की नहीं लग सकती हमारे पास भले हो भी हो तो। और अब जाके सिलेक्ट किया मैंने की। ओके, की सिलेक्टेड, नहीं लॉक्ड है। आई थिंक ऊपर का एक जो दरवाज़ा था जो कि लॉक था, जो कि ये है, ये भी ओपन नहीं हो रहा है। और ये तो ओपन ही है क्योंकि वो बाथरूम का दरवाज़ा है, मुझे मालूम है ओपन है। इसको ट्राई करते फिर से, नहीं ये भी नहीं ओपन हो रहा। ये वाला और ये वाला, ऑल राइट, तो ये ओपन हो गया। और देखो एक बार जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं ना वो गायब हो जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे नीचे देख के चलना पड़ेगा, अगर कुछ भी बचा तो सीधा ही आएगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कहाँ पे क्या रखा है, जैसे कि ग्रेनी को मालूम था। और देर इज़ नो वे टू मूव द हैंड, लेकिन यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन हाथ नहीं डाल सकता मैं वहाँ पे कुछ भी। और ये चेन लटका रखी है आई गेस, मतलब जो भी हंटिंग ही करता होगा वहाँ पे उनको लटकाने के काम आता होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ क्या क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ये वाला गेट अनलॉक नहीं हो रहा है, उसमें की का ऑप्शन तो है लेकिन मुझे नहीं लगता ये अनलॉक होने वाला है क्योंकि उसमें स्क्रूज लगे हुए हैं बहुत जगह।
और मैं आई थिंक इसको क्रॉस किया है ऐसे ही खड़े खड़े, तो आवाज़ हो सकती है। बैठ के यहाँ से चलते हैं। और डैम नीचे वो रखा हुआ था बॉटल, और बॉटल पे पैर चला गया मेरा, और अब उसको पता चल गया वो आ रहा है देखने। ये मेरे पास टाइमर ऑन हो गया, कह रहा वो तो इतनी जल्दी वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो अब उसे पता चल ही जाएगा कि हम यहाँ पे है। तब तक के देख लेते हैं हम क्या क्या यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अभी फ़िलहाल एक लाइफ आई थिंक जा चुकी है। यस आई हैव डेफिनेटली ओके, उसे पता चल गया कि हम यहाँ पे आ चुके हैं नीचे, तो मैं यहाँ पे और टाइम आ गया यहाँ पे। वापस से उसने हमें किल कर दिया गाइस। ओके तो ये डायलॉग बोल रहा है अभी अपना, बट आई कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ ऑल दोस किड्स। ऑलराइट, उसका फेस नहीं, आई थिंक मास्क लगा हुआ है उसने। यस मास्क पहना है गाइस, और ये हमारी सेकंड टाइम मतलब सेकंड चांस गया, अब थर्ड चांस है इसमें, उसके बाद हमारा मतलब गेम ओवर, गेम खत्म, मतलब फेल्ड हो जाएगा मिशन। तो हम वैसे ट्राई कर चुके हैं बहुत बार कांच तोड़ के भागने का, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, और हम इसमें कांच को मतलब कट करके भी भाग सकते हैं, ये अलग ऑप्शन है एक। मैं नीचे से कैप्चर हुआ था, तो नीचे ही चलते सीधा। यस ये क्या बोलते, बेसमेंट में। यस बेसमेंट में आ चुका मैं, इधर कुछ नहीं था, ये पिक किया था मैंने क्या, पिन, वायर पिन, लॉक पिक, तो इससे मैंने ये ओपन कर दिया। खुला नहीं, ओके खुल गया, दोबारा से खोलना पड़ा उसको। और आई थिंक ये वही जगह है जहाँ पे अभी उसने हमें किल किया था। यस ये वही जगह है, रखा कहाँ था पता नहीं। और ये क्या है, ये उठ तो जा रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ है उठ के, मतलब अलग हो जा रही है, लेकिन कुछ था नहीं वहाँ पे। यूजलेस ड्राइंग्स, ओके ड्राइंग उसने कुछ भी अपने काम की बनाई है, मतलब अपने हमारे काम की नहीं है, सब यूजलेस है। और ये बॉक्स भी नहीं कर सकता मैं, ये खोल सकता हूँ। ओके ये ड्रॉर्स थे, मतलब ड्रॉर सारे ओपन कर सकता हूँ, ये ड्रॉर अलग ही टाइप के बने इसमें, उसमें आई थिंक स्क्रूज रखे, लेकिन जस्ट फोटो में कुछ भी उठा नहीं सकता हूँ। ये वाला खाली ये बड़ा वाला ड्रॉर था, और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कि मेरे काम का हो। ओके तो अभी कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओ ये आया है सिलेक्ट करने का, ये क्या है, पी पी टाइप पर पॉइजन है। ओके तो इट वाज अ पॉइजन, रेड पॉइजन है बेसिकली। तो ये एम्प्टी है पहले से, कहीं डाल के रखा है उसने, और ये आई थिंक लिखा है कि रेड पॉइजन कहाँ डाला है उसने, बाथरूम, अंडर द बाथ टब, और ब्लैक रूम। ब्लैक रूम क्या है, ये ब्लैक रूम इसमें कुछ सीक्रेट रूम लग रहा है मुझे। ब्लैक रूम में भी ऐसे हम जाएंगे यहाँ पे, मतलब सर्च कर रहे तो देखेंगे क्या है ब्लैक रूम भी। और कॉरिडोर द कॉर्नर, ऐसे ये जो लोकेशन थी दो जगह, वैसे हम सर्च कर सकते हैं पॉइजन के लिए, लेकिन पॉइजन हमें चाहिए क्यों, उसको किल करने के लिए चाहिए रह सकते हैं। ओके ये तो कुछ ओपन हो नहीं रहा है, ये स्विच, ओके इसको मैं कर सकता हूँ। ओह ये वाला इसको ओपन करने के लिए था, ये क्या है, ग्लास कटर डिस्क, ग्लास कटर डिस्क थी वो, यूज़ पता नहीं कैसे करेंगे उसको, मेल हम करके देखेंगे अभी जस्ट स्केप करते वक्त। और ये वाला तो नहीं ओपन कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो पिन थी वो उसका आई थिंक एक ही जगह काम था, इसलिए ऑटोमेटिकली गायब हो गई जब हमने ओपन किया वो। ओके तो यहाँ पे भी जस्ट यूजलेस ड्राइंग्स पड़ी हुई है कुछ। और ये क्या है, ग्लास, रस्टेड ग्लास कटर, ग्लास कटर भी मिल गया मुझे, ब्रोकन बट इफ आई कैन फिक्स। ओके ओके तो ये अभी बोल रही है कि विदाउट नॉइस, मतलब
विदाउट कोई नॉइज़ के यहाँ पे ही निकल सकती है अब, क्योंकि हमें ग्लास कटर और ग्लास डिस्क मिल चुकी है, तो डायरेक्टली मैं ग्लास पे यूज़ करूँगा ये, मतलब देखेंगे बिना नॉइज़ के हम निकल सकते हैं कि नहीं। ऐसे तो खेल हुई रहे, ये पता नहीं पानी कहाँ पे ये लगा दिए, कुछ काम है क्या इसका, क्योंकि ओपन तो कर सकते हैं हम उसको, पानी जस्ट नीचे बह रहा है। ये भी लॉक है आई थिंक, हमारे यहाँ पे और कुछ काम नहीं है। अब मैं डायरेक्टली जाता हूँ ग्लास डिस्क की मदद से वो वाला ओपन करने का ट्राई करता हूँ ग्लास, अगर ओपन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से क्रैंक, फिर से कोई साउंड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर से आ जाएगा हमें किल करने के लिए। ओके, तो मैंने हिंट का ट्राई किया था और हिंट आ चुकी ऊपर जाने का ऑप्शन, ऊपर देखते हैं क्या है जहाँ पे अभी हमें कैप्चर करना बाकी है। ऊपर आई थिंक छत पे आ रहा है यार ऑप्शन, ये कहीं उसके रूम का तो नहीं है या फिर बाथरूम का, आई होप बाथरूम का। बाथरूम ओपन करते हैं, नहीं बाथरूम में नहीं है, मतलब अभी रूम में ही जाना पड़ेगा उसके, कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, नहीं है फॉर श्योर। ओके, निशान भी मतलब बता रहा है, और ये हमेशा यहीं खड़ा रहता है, मतलब ड्राइंग्स देखता रहता है कि पता नहीं क्या, लेकिन हमेशा यहीं रहता है। और यहाँ पे अभी मुझे आया था स्क्रू ड्राइवर यहाँ पड़ा हुआ है इसके पास, और ये क्या है, सेंट मेरी मारिया हॉस्पिटल ग्रीनवुड माइनसोट्स फ्रैंक फ्लावर्स क्लीनर, ये वहाँ पे क्लीनर है गाइज, मतलब उस हॉस्पिटल में आईडेंटिटी थी, मतलब आईडी कार्ड पड़ा था उसका, तो वहाँ पे मतलब एक क्लीनर का काम करता था जो भी इसका नाम है, फ्रैंक फ्लावर, यस, सेंट मार्टिन मारिया हॉस्पिटल, सेंट मारिया हॉस्पिटल वहाँ पे। ओके, तो हमने क्या स्क्रू ड्राइवर की यहाँ ज़रूरत थी। ओके, यहाँ पे खुल रहे हैं स्क्रूज, तो ये भी एक बहुत ही मतलब एस्केप वाला काम है, जैसे कि ग्रेनी था उसमें भी नॉइस कुछ भी करे तो आ जाती, उसमें कुछ ज़्यादा एक नॉइस का था, इसमें थोड़ा कम नॉइस का है, मतलब इसमें फालतू में इधर उधर नहीं घूम रहा है, एक ही जगह पे है, तो ये बात अच्छी है। और जैसे ही हम कोई नॉइस करते तो ही आता है, और डेफिनेटली आता है तो किल करता है, इसलिए इसमें छुपने का मतलब ऑप्शन नहीं बना है, अब जाके इसमें समझ में आ रहा है, जैसे हम इसमें कहीं छुप भी नहीं सकते क्योंकि उसको पता चल ही जाता है। एक ही ऑप्शन है इसमें छुपने का, कि हम जो भी मतलब एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना इधर उधर, जो भी खोल रहे या फिर बंद कर रहे हो, सब वापस जैसे कि वैसा करे जैसा था वो, और जाके अपनी जगह पे रहे, तो ही उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, बाकी तो पता चलने वाला है उसको कि मतलब क्या क्या चेंजेस हुए, बाकी डायरेक्टली वहीं पर आएंगा जहाँ पर हम हैं, तो इसमें हम हाइड नहीं हो सकते उससे, चाहे हम कहीं पर भी जाएँ। इसके अंदर मुझे स्विच तो मिला है, लेकिन ओपन क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेडल हैंडल मैंने सिलेक्ट किया था, और वो है काय का हैंडल मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं डायरेक्टली कांच का ट्राई करता हूँ इस बार, और इस बार मैं ग्लास कटर डिस्क यूज़ कर रहा हूँ, आई होप इस बार ये काम कर जाए, मतलब बिना नॉइस के मैं यहाँ पे निकल जाऊँ। ओके गाइस, तो मैंने अभी हिंट का ट्राई किया था, और हिंट में मुझे कुछ सामने का मतलब मिला हुआ है, जो कि एक फायर, मतलब आप देख सकते हैं सामने बता रहा है कुछ पॉइजन चीज़, मैं कुछ भी यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा, ये जो फायर है फायर के उस साइड में कुछ बता रहा है जो कि मुझे जाना है, और जो कि हिंट है हमारी कलेक्ट करना है उसको, और ये पोकर वोकर जब सो सब मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दरवाज़ा कहीं है नहीं वहाँ जाने का, और ये साइड में भी अलमारी है, अलमारी आई थिंक खिसक सकती है, मतलब अलग हो सकती है, ऐसा मुझे डाउट है, मगर इलेक्ट्रिकली हो तो ठीक है, क्योंकि इसमें मेन फोर्स हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते। और जो हमें मार्क अभी जो बता रहा है ना बार बार इधर जाने का ही बता रहा है, और अलमारी कुछ खुली नहीं है,
हमने वहाँ पे स्विच ऑन किया था, लेकिन उससे हुआ क्या ये भी नहीं पता चला मुझे। कुछ कॉर्नर या ऐसा कुछ मूव हुआ था, ऐसा कुछ आवाज़ आई थी, मतलब लिखा था हिंट में, बट कौन सा कॉर्नर और क्या वो समझ में नहीं आ रहा हमें। और अभी हम यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, और अभी हिंट भी समझ में नहीं आ रही। इसके पहले भी जब हिंट का क्लिक किया था हमने, हिंट बहुत ही अलग लेवल की इसकी। ये ऐसा मार्क बता देता है कि यहाँ पे जाना है आपको, और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। वहाँ पे जाना कैसे ये भी नहीं समझ में आता है। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे स्केप का आया था, यहाँ पे इस जाली से, मतलब इस जेल से, तो भी कुछ समझ नहीं आया था। वहीं पे लोगों बता रहा था, मतलब सामने जाके बता रहा था साइन, लेकिन इसके साइन और इसकी हिंट कुछ भी समझ में नहीं आती है। बहुत ही अपर लेवल की हिंट रहती है, मतलब एक लेवल अलग ही रहता है। जैसे कि मैं अभी लॉक ओपन करने के लिए हिंट मांग रहा था, और पता नहीं क्या क्या हिंट दे रहा था वो। और फिलहाल भी अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहीं पे ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आई नो मैं उस साइड नहीं जा सकता, या फिर कुछ चीज़ होंगी वहाँ पे जो कि मुझे चाहिए होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी भी चाबी चाहिए थी हमें, और उसके लिए डायरेक्टली आ गया था यहाँ पे जाने का, लेकिन लॉक कैसे ओपन करना था वो नहीं पता चल रहा था। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट किया था। क्रोबार पे क्लिक किया, फिर मतलब क्रोबार भी कर रहे थे सिलेक्ट, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था वहाँ पे। फिर एक जगह पे मतलब हमने किया उसको वापस से क्रोबार सिलेक्ट, और फिर जाके अगर लॉक पे किया तब जाके लॉक ओपन हुआ है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए टफ है इसके थोड़े हिंट भी समझ पाना, बट अगर हम ट्राई करते रहे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ता है गैस। और मैं नीचे से भी ट्राई कर रहा हूँ जाने का, वहाँ कहीं है क्या लैडर। अच्छा लैडर है यहाँ पे यार, लेकिन मैं उसको पिक नहीं कर सकता ना। ऐसे लैडर को यूज़ कहाँ है। ओके, इसको क्या है, ओ ओपन कर सकता था मैं। ये क्या है, हैरी बैट्स जेल टायर्ड ग्रीनवुड के कुछ मतलब था नोट, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं। मतलब वैसे भी हम स्टडी की ज़्यादा इसमें करते हैं नहीं, तो जस्ट स्किप दैट। और इस टनल से तो, मतलब इस बेसमेंट से तो मुझे कहीं जाने का व्यू लग नहीं रहा है। टनल इस साइड लंबा होना चाहिए था, बट नहीं है। और अभी हिंट में हमें डायरेक्टली जाने का कुछ ऑप्शन दे रहा है, और जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हो सकता है अगला टास्क वही हो हमारा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है अब। तो एट द एंड मोमेंट जो मुझे समझ में आया, हमारे पास चीज़ें हैं, ग्लास कटर है, ग्लास वो है, मतलब ग्लास डिस्क है। तो मैं अभी वही ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे ग्लास पे, और भागने का ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार हमारा स्केप होता है कि नहीं। और इसमें बार बार एड चलती रहती है, तो ये वाला एक डिसएडवांटेज, मतलब एड्स बार बार आती रहती है इसमें, क्योंकि ये एक फ्री एंड्रॉयड गेम है। तो ऑलराइट, तो नहीं अभी हम कुछ कर सकते हैं। ये वाला ग्लास कटेगा क्या, नहीं ये अलमारी भी नहीं ओपन हो रही है। ग्लास कटर डिस्क मैंने सेलेक्ट किया है, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका। रस्टेड ग्लास हैंड कटर को, ओके। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ सामान हम सिलेक्ट कर पाए या कुछ कर पाए, लेकिन मैं कुछ भी फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक कुछ ला के रखना हो सकता है, या फिर कुछ भी है। और इधर से भी मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई रास्ता तो नहीं है जाने का उस साइड, या फिर इसके पीछे हमें जाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे। पोकर भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बार बार, पोकर से भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। बाकी अभी हम जस्ट ग्लास कटर डिस्क से ट्राई कर रहे हैं यहाँ से, और ओके बडी डोंट लेट मी डाउन। और ये रहा वो ग्लास कटर जो कि हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, और ग्लास टूट के मतलब सामने गिर गया था और आवाज़ हो गई थी। अभी उसको पता चल गया कि हम भाग रहे हैं, अब वो आ सकता है हमें कैप्चर करने। तो हम इसमें एस्केप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इसमें अभी मैं जस्ट इसको ट्राई किया हूँ मैंने। तो अब
इसके हम और भी अच्छे से हिंट समझने की ट्राई करूंगा मैं, और फिर एक बार फाइनल स्केप वीडियो बनाऊंगा इसका. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल.